सोलन में भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि आने वाले चुनावों के चलते भाजपा किसी भी तरह की कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए 23 दिसंबर को होने वाले पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में शिमला विधानसभा क्षेत्र से बिगुल फूंका जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में केवल आमंत्रित कार्यकर्ता ही भाग लेंगे, जिन्हें चुनावों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी और ये पन्ना प्रमुख भाजपा की जीत का आधार बनेंगे। इस मौके पर उनके साथ वीरेंद्र कश्यप और प्रदेश प्रवक्ता रीतु सेठी भी मौजूद रही। सत्ती ने कहा कि चुनावी पन्ने पर 30 वोटर होते हैं, जिन पर एक पन्ना प्रमुख बनाया गया है, जो अपने 30 मतदाताओं को भाजपा की नीति और विचारधारा से जोड़ेगा और यही पन्ना प्रमुख भाजपा की जीत का आधार बनेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए ये सम्मेलन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में प्रदेश के सभी बड़े नेता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का एक ही लक्ष्य है, केंद्रित होकर आगे बढ़ना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से देश की बागडोर देना। इस कार्यक्रम का आयोजन भी इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हम 40,000 लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो हमारे पन्ना प्रमुख बने हुए हैं। उसमें त्रिदेव भी आएंगे, पार्टी के अन्य जो सीनियर लीडर्स हैं वो सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। इसका मुख्य मकसद है, जो आने वाला हमारा लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा की तैयारी के लिए सब कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ लगाना और चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। हिमाचल प्रदेश में 100% 4/4 सीटें जीत करके हम मोदी जी की झोली में डालें और मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं की सबकी इसमें मेहनत लग रही है। इसका सब कार्यकर्ताओं को एक कड़ी में लगाना और कार्यकर्ता एक दिशा में आगे बढ़ें, उसका ही ये मुख्य मकसद है कि उनको एक स्थान पर ला करके पूरे डायरेक्शंस दी जाएं, नेताओं के माध्यम से वो उनका मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ें। केंद्र से कोई भी मंत्री वो भेजेंगे और मंत्री और चीफ मिनिस्टर इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शांता जी और धूमल जी इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में, जगत प्रकाश नड्डा जी, ये सब लोग आएंगे।